अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को नई नई जॉब की जानकारी देता हूं और जॉब पाने के लिए आपकी पूरी हेल्प करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है और फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में दुबई, कतर, सऊदी, ओमान और कुवैत की बहुत सारी जॉब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है आज के इस वीडियो में आपको कोई जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जॉब की जानकारी देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई जॉब पसंद आती है तो आप जिसको भेजना चाहते हैं या जाने वाला खुद फ़ोन करें और वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो में जॉब की जो ड्यूटी बताई गई हैं और जो सैलरी बताई गई हैं उसके लिए अगर आप एग्री हैं तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स भेजें, नहीं तो वीडियो को इग्नोर करें। उसके बाद जॉब आपको पसंद करनी है और आप वही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है और जिसका एक्सपीरियंस आप लेके दे सकते हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ आपने काम किया है। उसके बाद दूसरी बात है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजें तो मोबाइल से फ़ोटो खींच के ना भेजें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजें मोबाइल से फ़ोटो खींच के ना भेजें, किसी कंप्यूटर वाले से किसी शॉप पे जाके स्कैन करवा के एक पीडीएफ फाइल बना लें। उसके अंदर आपका अपडेट सीवी हो, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, आपके पासपोर्ट की कॉपी हो और वाइट बैकग्राउंड वाला एक फ़ोटो अटैच करके पूरी एक पीडीएफ फाइल आप बना के हमेशा के लिए रख लें, ताकि बाद में भी आपको काम आएगी। उसके बाद जब भी आप डॉक्यूमेंट्स ईमेल करो तो ईमेल के अंदर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर टाइप करें आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जॉब आप उसके अंदर मेंशन करें। उसके बाद आप जब भी ईमेल से डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करोगे तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट में वो टाइप करना है। उसके बाद जो कंपनी बताई गई है वीडियो के अंदर वो भी लिखना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके ईमेल सेंड करना है। काफ़ी सारे लोग जल्दी जल्दी में ईमेल सेंड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करते हैं, इधर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्यों भेजे हैं। इसलिए ईमेल करते टाइम आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें। सब्जेक्ट में जॉब पोजिशन और वीडियो के अंदर जो कंपनी बताई गई है वो टाइप करें सब्जेक्ट में, उसके बाद ईमेल को सेंड करें। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मैं काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा हूँ आप फ़ोन नहीं उठाते, या मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ आपका फ़ोन बिज़ी आता है, या मैंने 10 बार कॉल किया आप फ़ोन नहीं उठाते। उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो फ़ोन का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे फ़ोन चालू रहता है। अब दूसरी बात, हम लोग 1 बजे यहाँ से ऑफिस से लंच और जोहर की नमाज के लिए जाते हैं, वापस आने में हमको 3 बज जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 से 3 में फ़ोन तो चालू रहता है, हो सके तो आप 3 बजे के बाद कॉल करिए या हो सके तो 1 बजे से पहले करें। अगर आप 1 से 3 के बीच में भी कॉल करोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 1 से 3 में जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और हम जो हैं 1 से 3 में जिसके भी मिस कॉल आते हैं उनको 3 बजे के बाद आके रिप्लाई देते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करें 1 बजे से पहले फ़ोन करें या 3 बजे के बाद करें। उसके बाद वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी देते हैं कौन सी जॉब के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का 3 साल का 5 साल का। तो वीडियो देखने के टाइम पे आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि इस जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कैंप सुपरवाइज़र की जॉब है। कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे, जब हमने उनको रिप्लाई दिया या हमने कॉल करके पूछा तो वो हमसे पूछते हैं कि कैंप सुपरवाइज़र क्या होता है। जब आपको पता ही नहीं है कैंप सुपरवाइज़र क्या होता है, ये मैं सारी जॉब के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ कैंप सुपरवाइज़र का नहीं, कैंप सुपरवाइज़र का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जिस जॉब के बारे में आपको जानकारी है या जो काम आप कर सकते हो जिसके बारे में आप
जानकारी रखते हैं या जिसका एक्सपीरियंस है आपको, उसी के लिए आप अप्लाई करें। फ्रेशर के लिए अगर कोई काम आएगा तो हम आपको बताएंगे, फिलहाल फ्रेशर के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। कुछ लोगों की कंप्लेंट ये भी है कि व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई नहीं देते हैं। भाई व्हाट्सएप से तो हम परेशान हो गए थे, इसलिए हमने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है, व्हाट्सएप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन में इतने बिजी रहते हैं, फिर व्हाट्सएप पे 5-10 हज़ार मैसेज आते हैं, उसको हम चेक नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपको बुरा लगता है कि यार कैसे लोग हैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते हैं, इसलिए आपका दिल ना टूटे और आपको बुरा ना लगे, इसलिए हमने व्हाट्सएप वाली सर्विस बंद कर दी है, व्हाट्सएप हमने डिलीट कर दिया है। अभी मेरे पास एम्प्लॉई काम करने वाले कम हैं, इसलिए व्हाट्सएप को मैंने डिलीट कर दिया है। व्हाट्सएप वाली सर्विस भी चालू हो जाएगी, मैं उसके लिए एक आदमी ढूंढ रहा हूं जो मेरे हिसाब का मुझे मिल जाए, तो वो सिर्फ व्हाट्सएप को ही ऑपरेट करेगा। इसलिए आप लोग वेट कीजिए, जब इसका इंतज़ाम हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी मुसीबत ये है, ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, आप बुरा मत मानिए मेरे बात का, हम लोग दिन में इतने परेशान रहते हैं, मैं किसी का नंबर शो नहीं करूंगा, किसी का नाम भी नहीं लूंगा। एक आदमी सुबह से लेके शाम तक कम से कम 20 से 25 बार कॉल करता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल हिस्ट्री भी रहती है, किसने कौन से नंबर से कितने बार कॉल किया। अब हम उसका हिस्ट्री चेक करते हैं, सुबह में फ़ोन करता है, बोलता है मुझे वेटर में जाना है, फिर जब उसके बारे में बात हो जाती है फिर 10 मिनट के बाद कॉल करता है मुझे कतर जाना है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करता है मुझे मलेशिया जाना है, फिर कभी बोलता है मुझे ड्राइवर में जाना है, कभी बोलता है मुझे वेटर में जाना है, कभी बोलता है मुझे ये काम में जाना है वो काम में जाना है। तो ये बात ठीक नहीं है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हकीकत में आपको जाना है तो आप 20 बार नहीं 25 बार कॉल करिए। अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाती है तो 20 बार नहीं 25 बार आप कॉल कर सकते हो, अगर आपको काम है तो। एक आदमी डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ एक काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद कंपनी से जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक आपको वेट करना है, और दूसरे काम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक लास्ट बात कि हम लोग अभी किसी भी एजेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी एजेंट के बंदे नहीं लेते और हम अपने बंदे किसी एजेंट को नहीं देते। हम जिन कंपनीज़ के साथ काम करते हैं खुद ही करते हैं, हमारे बीच में कोई एजेंट हम रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने एजेंट्स के साथ काम किया था, उसमें हमने बहुत सारा नुकसान उठाया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एजेंट हैं जिनका नाम अभी मैं शो नहीं करूँगा, उनका फ़ोन नंबर नहीं बताऊँगा, 5 महीने से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। उनके कुछ कैंडिडेट के हमने वीज़ा लगवाए थे, टिकट बनवाए थे, अभी तक उसका पैसा नहीं दिया, फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाता है। ये बात तो फाइनल हो गई कि हमने जिनके वीज़ा लगवाए थे, अब दूसरी बात, और हम अपने कैंडिडेट्स दूसरे किसी एजेंट को नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले किसी एजेंट को हमारे कुछ कैंडिडेट के पासपोर्ट और पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे भी खा लिए, वीज़ा भी नहीं लगाया, और 4-5 महीने हमने वेट किया, वीज़ा भी नहीं लगाया, पैसे खा गए, पासपोर्ट भी बहुत मुश्किल से हमने जैसे तैसे करके वसूल किए, और उन्होंने पैसे भी वापस नहीं दिए। तो जिनके पैसे थे हमने उनको वापस कर दिए हैं, लेकिन हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इसलिए जो भी एजेंट्स हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करें, हम एजेंट्स के साथ काम नहीं करेंगे। अगर किसी एजेंट ने चालाकी से या होशियारी करके कुछ भी करके किसी कैंडिडेट का हमको डॉक्यूमेंट्स दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, उनका वीज़ा आ गया, टिकट हो गया, और बाद में भी एग्रीमेंट करने के टाइम पे या उसके बाद कभी हमको पता चल गया कि ये एजेंट का काम है, हम वो वीज़ा कैंसिल कर देंगे, उसके वीज़ा का और टिकट का, इमिग्रेशन का जो भी खर्चा हुआ होगा वो उस एजेंट को, जिसके डॉक्यूमेंट्स थे उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। हम उस एजेंट को वीज़ा कैंसिल करने का, टिकट का, इमिग्रेशन का जो भी हैं एक रुपया वापस नहीं करेंगे, और हो सके और ज़रूरत पड़े तो हम उनके लिए कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। इसलिए मैं एजेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करें।
अगर किसी एजेंट ने छुप छुपा के किसी तरीके से हमारे थ्रू काम किया तो उसका जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार वो एजेंट है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एजेंट के थ्रू काम करने में एक नुकसान ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेबर का काम है कि सैलरी होती है 1000 रियाल, एजेंट उधर बोल देते हैं 1500 रियाल है। जॉब होती है फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री फार्म है या फिर खजूर के खेत का काम है या कोई और लेबर कैटेगरी का काम है तो वो उधर बोल देते हैं फूड पैकिंग का काम है। लेकिन परेशानी उस दिन होती है जिस दिन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट कभी झूठा नहीं होता। एग्रीमेंट के अंदर जो सैलरी हमने वीडियो के अंदर बताई है वो सैलरी हम लिख के उसके ऊपर कंपनी के स्टैंप लगा के सब कुछ करके देते हैं। तो जब कैंडिडेट आता है एग्रीमेंट के लिए वो देखता है यार इसमें तो 1000 रियाल सैलरी लिखी हुई है, एजेंट ने तो उनको 1500 रियाल बताया था। तो उस दिन एग्रीमेंट के टाइम पे बहुत झगड़ा होता है, परेशानी होती है, उन लोग को लगता है कि हमारा काम गलत है। हमारा काम गलत नहीं है, हम जो वीडियो में सैलरी आपको बताते हैं उसका हम पक्का एग्रीमेंट करके देते हैं, इसलिए एजेंट के साथ काम करने में परेशानी बहुत है। दूसरी बात, सर्विस चार्ज होता है 40,000, 50,000, 55,000, एजेंट लोग उधर से 1,20,000, 1,30,000 वसूलते हैं। तो ये एक लेबर कैटेगरी के इंसान के लिए इतने सारे पैसे इंतजाम करना बहुत मुश्किल और गलत बात है। अगर उसके पास 1,00,000 रुपये होते तो अपने बीवी बच्चों को अपने वतन को छोड़ के क्यों जाता। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो सारी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, ठीक है। इसलिए मैं एजेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम बहुत नुकसान उठाए हुए हैं, इसलिए ना ही हम किसी एजेंट को अपने कैंडिडेट्स देंगे और ना ही किसी के पास से हम लेंगे। हम जो काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं। अगर आप में से किसी को डाउट है हमारे काम पे कि हम एग्रीमेंट करके देते हैं कि नहीं देते, तो ये कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा लग गए हैं लेकिन ईद की वजह से उनकी रिक्वेस्ट है कि हम जाते जाते अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ ईद मना के जाना चाहते हैं। तो ईद के 2-4 दिन के बाद जब वो आएंगे एग्रीमेंट के लिए उस दिन मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा दूंगा कि हम लोग कैसा एग्रीमेंट करके देते हैं, कैसा वीज़ा लगवाते हैं, सब कुछ, ठीक है। चलिए जॉब के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी जॉब है मेरे पास इस टाइम। सबसे पहली जॉब है सऊदी, डायरेक्ट वीज़ा है, ऑफिस सिलेक्शन है, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये लोडर ऑपरेटर हैं, लोडर ऑपरेटर के लिए गल्फ कंट्री का लाइसेंस हैवी होना चाहिए, अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। 1,850 रियाल सैलरी है प्लस खाना कंपनी की तरफ से फ्री है। उसके बाद है रोलर ऑपरेटर, इसमें भी किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस होगा तो चलेगा, सऊदी का हैवी लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो गल्फ कंट्री का कोई भी लाइसेंस चलेगा। 1,650 रियाल सैलरी है प्लस कंपनी खाना देगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 10 घंटे की ड्यूटी है, बाकी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब कंपनी की तरफ से मिलता है। उसके बाद ये भी सऊदी के लिए है, ट्रेलर ड्राइवर। ये ट्रेलर का फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये उसमें भी सऊदी का लाइसेंस हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो गल्फ़ कंट्री का कोई भी हैवी लाइसेंस चलेगा। 25 लोग चाहिए, 1,200 रियाल सैलरी है प्लस 400 खाने के देंगे, टोटल हो जाएगा 1,600 रियाल सैलरी प्लस इनको ट्रिप मिलेगा। ये दिया है 0.25 सऊदी रियाल पर किलोमीटर। कंपनी का कहना है कि 1,000 से लेके 2,000 रियाल तक ट्रिप में कमा सकते हैं, बाकी 1,600 रियाल सैलरी तो मिलने ही वाली है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और एज लिमिट जो है कम से कम 30 साल हो, 30 साल से ज़्यादा ही एज होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद ये भी सऊदी के लिए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, सऊदी लाइसेंस वैलिड होगा, एक्सपायर्ड होगा तो भी चलेगा, नहीं है तो गल्फ़ कंट्री का कोई भी वैलिड लाइसेंस चलेगा। 1,400 रियाल सैलरी है, 200 रियाल कंपनी खाने के देगी प्लस ट्रिप मिलेगा कंपनी के रूल्स के मुताबिक।
उसके बाद है ट्रेलर ड्राइवर, सऊदी लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक्सपायर भी चलेगा, किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस वैलिड होगा तो भी चलेगा। 1500 रियाल सैलरी है, 200 खाने का देगी प्लस ट्रिप मिलेगा। एज जो है ये दोनों में 35 साल से कम एज होनी चाहिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, इसमें 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, बाकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा सब कंपनी देगी। उसके बाद है गल्फ बिल्डर कंपनी के लिए, ये भी सऊदी का काम है, इसमें टाइल्स एंड सिरामिक मेशन चाहिए। 1100 से लेके 1200 रियाल तक सैलरी मिलेगी, प्लस खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, अगर खाना नहीं दिया तो 250 रियाल खाने के अलग से देंगे। ये सब में वही है, ब्लॉक मेशन चाहिए, फायर फाइटिंग असिस्टेंट चाहिए, प्लास्टर मेशन चाहिए और फर्नीचर पॉलिशर चाहिए। इसकी सैलरी 1100 से लेके 1400 रियाल तक हैं, प्लस खाना कंपनी की तरफ से हैं। ये जो भी जॉब हैं उसमें सिर्फ ECNR पासपोर्ट चाहिए, मतलब जो हाई स्कूल 10 पास हैं या उसके ऊपर पढ़े लिखे हैं उनके लिए हैं। इसमें 25 से 35 एज लिमिट है, 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, बाकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी देगी और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। उसके बाद हैं सऊदी के लिए हुस्ना केयर कंपनी है, उसमें ये बस ड्राइवर चाहिए और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसके लिए कोई नहीं मिल रहा है मुझे। बस ड्राइवर चाहिए, 1500 प्लस 200 रियाल खाने का देंगे, टोटल 1700 रियाल सैलरी मिलेगी। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो बस ड्राइविंग का और इंग्लिश बोलने वाला हो, गुड लुकिंग हो और एज लिमिट जो है 35 से कम एज हो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा सब कंपनी देगी। उसके बाद है गल्फ बिल्डर कंपनी के लिए CV सिलेक्शन है, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर चाहिए, वेल्डर चाहिए और फेंस एंड स्टील ये काम आना चाहिए, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, डक फैब्रिकेटर, AC टेक्नीशियन कौन सा चाहिए, स्प्लिट एंड विंडो का काम करने वाला। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, जिसको ये सैलरी पसंद है या जो ये सैलरी में जाने के लिए एग्री है वो ही डॉक्यूमेंट भेजे। 25 से 35 एज लिमिट है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं यहाँ पे दिया हुआ है, 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। उसके बाद है ईमार और रियाद कंपनी के लिए, सऊदी में है, हाउस कुक चाहिए, पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, अगर कोई हाउस कुक है, इंडिया का एक्सपीरियंस चाहिए, सऊदी रिटर्न इसके लिए नहीं चाहिए, 1500 सैलरी मिलेगी प्लस खाना कंपनी देगी और इंडिया का और सऊदी का कुछ खाना बनाने का नॉलेज चाहिए और 30 से कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल एज लिमिट है। उसके बाद 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, सऊदी रिटर्न ये नहीं चाहिए हाउस कुक, ओनली इंडियन एक्सपीरियंस वाला और ECNR पासपोर्ट हो, ये लिखने में थोड़ी गलती हुई है, ECNR पासपोर्ट चाहिए, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसके बाद एस्टन कंपनी के लिए सऊदी का काम है, ये भी CV सिलेक्शन है, हैवी ड्राइवर चाहिए, हैवी सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो दूसरी किसी भी गल्फ कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो चलेगा। 1400 रियाल से लेके 1500 रियाल तक सैलरी मिलेगी, खाना कंपनी देगी। उसके बाद शेफ़ चाहिए इंडियन, उसको 1200 सैलरी मिलेगी प्लस खाना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और ये सैलरी में जाने के लिए जो भी एग्री हैं वही डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते, जो कंपनी ने बोला है वो क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। 12 घंटे की ड्यूटी है, 25 से 35 एज लिमिट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और वीज़ा लगने के बाद फौरन जाना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड चिप वाला लाइसेंस चाहिए। उसके बाद है 5-स्टार होटल के लिए CV सिलेक्शन है, स्काइप इंटरव्यू होगा, इसमें किचन स्टूवर्ड चाहिए, 1200 रियाल सैलरी प्लस खाना कंपनी देगी, लॉन्ड्री अटेंडेंट चाहिए, 1200 रियाल प्लस खाना कंपनी देगी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 22 से 26 एज लिमिट है, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए,
बाकी बाकी क्या क्या मिलेगा सब यहाँ पे दिया हुआ है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 9 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में एक छुट्टी, ओवर टाइम रहेगा तो मिलेगा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है सऊदी के लिए CV सिलेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन चाहिए और जिप्सम कारपेंटर चाहिए, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए 2 से 3 साल का यहाँ पे दिया हुआ है। यह ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो है किसी भी ट्रेड टेस्ट सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, बॉम्बई में एक तो शाशा है, हुस्तन सेंटर है और आयशा है, ABC टेस्ट सेंटर है, जो ये जो सेंटर मैंने बताए उनका सर्टिफिकेट गल्फ कंट्री में वैलिड है। उसके बाद है बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इकामा सब कंपनी देगी, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है अबाजा कंपनी के लिए, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, Rigger 3 है और वेल्डर प्लस कटर, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और ये सैलरी में जाने के लिए एग्री है तो ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 9 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में एक छुट्टी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इकामा सब कंपनी देगी। उसके बाद है सऊदी के लिए जनरल कुक चाहिए, CV सिलेक्शन है, 1500 प्लस 200 है सैलरी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज 35 साल से कम होनी चाहिए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 9 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, इकामा सब कंपनी देगी। उसके बाद ये भी वाटर टैंकर है, ये भी सऊदी का काम है। टैंकर के बारे में जो भी सऊदी में टैंकर ड्राइवर हैं मैंने सुना है कि इनको सैलरी से ज़्यादा ऊपरी कमाई ज़्यादा होती है, मतलब ऊपर से कमाई होती है। ये वाटर टैंकर है, ये पानी की सप्लाई करते हैं घरों में, तो जहाँ पे पानी देने के लिए जाते हैं वहाँ से उनको टिप मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा उनको वहाँ से मिलता है। तो अगर इसके लिए किसी के पास इंडियन लाइसेंस है तो उनको 1200 रियाल सैलरी प्लस 200 खाने का, मतलब टोटल उनको 1400 मिलेगा और ट्रिप अलाउंस कंपनी की तरफ से इनको मिलेगा। अगर दिन में ड्यूटी के दरमियान में 4 ट्रिप मारते हैं उसके बाद 5वीं ट्रिप में इनको पर ट्रिप 5 रियाल सैलरी ज़्यादा मिलेगा। इसमें भी सेम वही है, इसमें इंडियन लाइसेंस का बताया है, उनकी सैलरी ये है और काम वही है, लेकिन अगर किसी का गल्फ़ का कंट्री का लाइसेंस है या किसी का सऊदी का लाइसेंस है तो उनको 1400 रियाल सैलरी प्लस 200 खाने का मिलेगा और ट्रिप का दोनों में सेम है। 10 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इकामा सब कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वीज़ा लगने के बाद कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में जाना पड़ेगा आपको। अब अंदाज़ा लगाइए, 10 घंटे की ड्यूटी कंपनी बोल रही है और 4 ट्रिप, आराम से 4 ट्रिप क्या 10 ट्रिप मार सकते हैं। उसके बाद हैं सऊदी अरबिया के लिए, ये VIP घरों में हाउस ड्राइविंग के लिए चाहिए, अल जजीरा सपोर्ट सर्विसेज के लिए CV सिलेक्शन है, हाउस ड्राइवर चाहिए, सऊदी रिटर्न हो, 1500 सैलरी मिलेगी, 200 खाने का मिलेगा प्लस 100 खर्ची के लिए मिलेगा, ये VIP घर का है, पासपोर्ट उनका ECNR हो, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सब कंपनी देगी और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और बाकी बेनिफिट्स उनको सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद हैं ये भी अरास्को कंपनी के लिए CV सिलेक्शन है और सिलेक्शन के बाद स्काइप में इंटरव्यू करवा देंगे, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, सैलरी यहाँ पे दिया है, एक्सपीरियंस अच्छे से देख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पहले देख लें उसके बाद भेजें। HVAC टेक्नीशियन चाहिए, 1 चाहिए, सैलरी यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उनकी सैलरी यहाँ पे है, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, अच्छे से देख लीजिए। प्लम्बर चाहिए मेंटेनेंस कंपनी के लिए, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है और क्या क्या होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस सब यहाँ पे दिया है। टायर मैन चाहिए मेंटेनेंस कंपनी के लिए,
सैलरी यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। 9 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इकामा, इंश्योरेंस सब कंपनी देगी और बाकी बेनिफिट्स उनको सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से मिलेंगे। ये हैं ओमान के लिए, ये इंटरव्यू सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बाद बता देंगे कि स्काइप इंटरव्यू है या क्लाइंट इंटरव्यू है, जो भी है बता देंगे। कौमी शेफ चाहिए, सैलरी यहाँ पे दी हुई है, आप इस सैलरी को गूगल में जाके इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं इंडिया के हिसाब से कितना मिलता है। और एक टाइम का खाना भी कंपनी देगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। उसके बाद वेटर और वेट्रेस, उनकी भी सैलरी यहाँ पे दी हुई है, आप गूगल में जाके कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में देख सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ में सैलरी कितनी बनती है। एक टाइम का खाना कंपनी देगी, इंग्लिश भी आना चाहिए और एज लिमिट जो है 30 से कम होनी चाहिए। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सैलरी में इंक्लूड है। 8 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट सैलरी में इंक्लूड है। कंपनी रहने के लिए नहीं देगी और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देगी, बाकी 8 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी। उसके बाद है, ये भी ओमान का काम है, इंटरव्यू सिलेक्शन है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा पता चल जाएगा कौन सा इंटरव्यू है, स्काइप में इंटरव्यू होता है या ईमो पे होता है। स्टोर मैनेजर चाहिए, सैलरी यहाँ पे दी हुई है 400 से 450 तक, आप गूगल में जाके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हो कि इंडियन रुपीज़ कितने बनते हैं। सर्विस क्रू, उनकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। ये काम के लिए 2 जगह के चाहिए, बम्बई का होना चाहिए या दिल्ली का होना चाहिए, उसके सिवा तीसरा नहीं चलेगा। और एक्सपीरियंस कहाँ का, ये मैकडोनाल्ड का हो, KFC का हो, कोई भी पिज़्ज़ा हट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और खाना, रहना और ट्रांसपोर्ट सैलरी के अंदर इंक्लूड है। 8 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में एक छुट्टी है, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है कतर के लिए इंटरव्यू सिलेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, सैलरी यहाँ पे दी हुई है, प्लस खाना कंपनी देगी, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब कंपनी देगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट 25 से 35। उसके बाद सिक्योरिटी पेट्रोलर चाहिए, 1700 सैलरी है, प्लस खाना कंपनी दे रही है, रहना भी कंपनी का है। इसमें कतर का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए सिक्योरिटी पेट्रोलर के लिए, क्योंकि ये वही है, इससे पहले मैंने किसी वीडियो में पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्ट किया था, ये छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी दी जाती है, बस ड्यूटी के दरमियान में आपको चक्कर लगाते रहना है। आपको कुछ एरिया दे दिया जाता है, बस उसमें आपको पेट्रोलिंग करना है, चक्कर लगाने हैं। 11 घंटे की ड्यूटी है, 1 घंटे का लंच ब्रेक है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है, ये भी कतर का है, इसमें शेफ दे पार्टी, रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र, बारटेंडर, Commie 1, Commie 2 और Commie 3। सैलरी यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो इतनी सैलरी में जाने के लिए एग्री हैं वो ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। 9 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब कंपनी देगी। और आईडी कार्ड का 270 कतर रियाल आपकी सैलरी से कटेंगे एक बार, बार बार नहीं कटेंगे, सिर्फ एक बार आपकी सैलरी से आईडी कार्ड का पैसा 270 कतर रियाल कटेगा। उसके बाद ये पिछले वीडियो वाला है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, रिटर्न हाउस ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर इंडियन लाइसेंस पे, उसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद किचन स्टूवर्ड चाहिए, उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, JCB और शॉल ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, असिस्टेंट टाइल मेसन है, उसके बाद रिटर्न हैवी ड्राइवर है जिसके पास सऊदी का लाइसेंस हो। उसके बाद ये मौससा के लिए हैं, मतलब छोटी कंपनी के लिए, ट्रेलर ड्राइवर है, रिटर्न चाहिए। उसके बाद ग्लास फिटर है या पेट्रोल पंप सुपरवाइज़र हैं, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी यहाँ पे हैं, ट्रेलर ड्राइवर हैं, मजरा एग्रीकल्चर लेबर हैं, उसके बाद ट्रेलर ड्राइवर हैं, डीजल मैकेनिक हैं,
उसके बाद ये सऊदी के लिए सीवी सिलेक्शन है, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था मैंने, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर। उसके बाद ये भी रूम बॉय शादा कंपनी के लिए स्काइप इंटरव्यू होगा, 1500 सैलरी, एक्सपीरियंस और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश बोलना पढ़ना समझना लिखना सब आना चाहिए। उसके बाद है ईमार कंपनी के लिए हाउस कुक चाहिए, ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एग्रीकल्चर इंजीनियर चाहिए और ऑफिस सेक्रेटरी चाहिए, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफिस सेक्रेटरी को ऑफिस का जो भी एडमिन वर्क होता है और कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 9 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में एक छुट्टी और ECNR पासपोर्ट चाहिए। अकोमोडेशन वगैरह कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा और एज लिमिट जो है 30 से 35 साल है। उसके बाद एस्टन कंपनी के लिए CV सिलेक्शन है, हैवी ड्राइवर चाहिए, हैवी सऊदी का लाइसेंस होगा तो चलेगा और अगर सऊदी का नहीं है तो गल्फ कंट्री का कोई भी लाइसेंस चलेगा। इसमें शेफ चाहिए, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, 12 घंटे की ड्यूटी है, 25 से 35 एज लिमिट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और चिप वाला लाइसेंस चाहिए, स्मार्ट कार्ड। उसके बाद ये सऊदी के लिए हैं, CV सिलेक्शन है, ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, सऊदी का लाइसेंस, सऊदी का हैवी लाइसेंस चलेगा, किसी भी गल्फ कंट्री का होगा तो भी चलेगा, वैलिड है, एक्सपायर्ड है, कॉपी है, ओरिजिनल है, जो भी है सब चलेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 10 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब कंपनी की तरफ से है। अलमराई डेट्स वाला जो भी काम है, काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा लग चुके हैं, अगर और भी कोई है तो बता दे, काम चल रहा है, 9 घंटे की ड्यूटी, 800 सैलरी, 200 रियल खाने का, अगर 200 रियल नहीं दिया तो कंपनी खाना देगी, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब कंपनी दे रही है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ECR ECNR पासपोर्ट कोई भी चलेगा, एज लिमिट 38 साल तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद महारा हाउस ड्राइवर का काम अभी चल रहा है, जिसके पास इंडिया का लाइट लाइसेंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये काम करेंगे हाउस ड्राइवर का। ECR ECNR पासपोर्ट कोई भी चलेगा, 1000 रियाल सैलरी मिलेगी, 200 रियाल खाने का मिलेगा, रहने का मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मेडिकल इंश्योरेंस इकामा सब कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसके बाद हाउसमेट चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी इसके लिए कोई मिला नहीं है, परफेक्ट बंदा अगर कोई है जाना चाहता है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउसमेट को घर का सारा काम करना पड़ेगा, ये घर का काम नहीं है, हमारी कंपनी की जो ऑफिस है सऊदी में उसमें कुछ 15-16 लोग वहाँ पे स्टाफ हैं, उनके लिए काम करना है, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, जो अकोमोडेशन है उसकी सफाई रखना वगैरह वगैरह। इसमें बेसिक इंग्लिश चाहिए और इंटरव्यू होगा, जो इसके लिए जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये CV सिलेक्शन कतर का है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, कतर का लाइसेंस होगा तो इसमें आप जा सकते हो, 1000+300 और 200 टोटल 1500 रियल सैलरी मिलेगी। इसमें BOB कैट ऑपरेटर चाहिए, कतर का लाइसेंस होना चाहिए, 1000+300 1300+200 1500 टोटल सैलरी मिलेगी, 22 से 35 एज लिमिट है, 8 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब कंपनी देगी। उसके बाद हैं CV सिलेक्शन दुबई के लिए हैं, जिप्सम कारपेंटर चाहिए, 1100+200 टोटल 1300 दिरहम सैलरी मिलेगी, ऑलराउंडर मेशन चाहिए, टाइल्स प्लास्टर ब्लॉक सब कुछ आता हो, 1000+200 1200 रियाल इनको सैलरी मिलेगी, 8 घंटे की ड्यूटी है, ECR ECNR कोई भी पासपोर्ट चलेगा। अपडेट CV चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर है तो भेजें। CV सिलेक्शन है, डायरेक्ट वीज़ा मिलेगा, इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद कतर के लिए हैं, कंपनी का नाम है अंसार ग्रुप, फर्नीचर फिटर चाहिए, हिडन सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मैन चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब सही है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ड्यूटी हावर्स 10 घंटे की ड्यूटी है, 21 से 30 एज लिमिट है, ठीक है। बस आज के लिए मेरे पास इतनी सी जॉब थी, इसमें से किसी भी जॉब के लिए
अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो सैलरी बताई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन बताया है, जितनी ड्यूटी है उतनी सैलरी, एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है और उतनी सैलरी में आप जाना चाहते हैं, एग्री हैं, तो ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, तो ही फ़ोन करें, नहीं तो आप इग्नोर करें, वेट करें दूसरी वैकेंसी के लिए, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही नई नई और लेटेस्ट जॉब की वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसके बाद मैं जब भी कभी वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, बिना किसी एप्लीकेशन के वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।